हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमम मार्क्स इससे होते हैं और इस टॉपिक को आप बिल्कुल क्लियरली याद रखो। इनमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग करते हैं। सारी चीजें इसमें मैंने खोल के रख दी है, अब आपको इसमें से निकालना है। पहला पार्ट ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछ सकता है, एनवायरमेंट के बारे में पूछ सकता है, बिल्कुल पूछेगा। और उसके कुछ एबायोटिक फैक्टर्स जरूर पूछेगा, जैसे कि एग्जांपल हार्श हैबिटेट में रहने वाले कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, लेवल ऑफ इकोलॉजी कौन कौन सी है, लेवल में ऑर्गेनिज्म लेवल, पॉपुलेशन लेवल और स्पीसीज लेवल, किसी भी लेवल से पूछ सकता है। जैसे एग्जांपल में क्वेश्चन दे दिया, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीसीज लेवल, तब आप क्या करोगे। टेम्परेचर कौन कौन से हैं, जैसे कि टेम्परेचर, जैसे मेजर एबायोटिक फैक्टर पूछ लिया, एबायोटिक फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर है, एक तो टेम्परेचर हो गया, दूसरा आपका वाटर हो गया, तीसरा लाइट हो गया, सॉइल हो गया। टेम्परेचर में दो तरीके के, यूरी थर्मल स्टैनो थर्मल, वाइड रेंज नैरो रेंज, वाटर यूरी हेलाइन स्टैनो हेलाइन। क्लियर हो गया, पहला टॉपिक आपका क्लियर। सेकेंड पार्ट, एबायोटिक फैक्टर अगर हो भी जाएंगे तो उससे हम रिस्पॉन्स कैसे करेंगे। ये रिस्पॉन्स में आपका आ जाता है, रेगुलेट कर सकते हैं, होम्योस्टेसिस कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं या माइग्रेट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अडेप्ट करने के लिए अडेप्टेशन पूछा जाता है और उससे रिलेटेड हमको सस्पेंड लिखना पड़ता है। सस्पेंड में कुछ चीजें ऐसी जैसे प्लांट्स रिलेटेड डॉर्मेंसी या एनिमल्स रिलेटेड हाइबरनेशन और रेस्टिवेशन, एक समर में एक विंटर में। क्लियर। अब आता है कुछ अडेप्टेशन कुछ और तरीके की होती है, जैसे फिनोटिपिक या जीनोटिपिक अडेप्टेशन। हम अडेप्टेशन जेनेटिकली कर रहे हैं या हम सिर्फ फिजिकली कर रहे हैं, इन दोनों चीजों के अडेप्टेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। थर्ड पार्ट, अडेप्टेशन प्लांट्स का कैसे होता है और अडेप्टेशन एनिमल्स का कैसे होता है। देखो, प्लांट्स जो हो गए वो अपने तरह के अडेप्टेशन करते हैं, एनिमल्स हो गए क्योंकि वो मूवेबल है इसलिए वो अलग अडेप्टेशन करते हैं। अब प्लांट्स है जैसे कि जीरोफिटिक, हाइड्रोफिटिक, हेलोफिटिक और वाटर कंजर्व कुछ होते हैं एनिमल्स। एलन रूल हमको क्या बताता है कि एलन रूल क्या है, हमारे हैबिटेट से कैसे अपने आप को लिंक करते हैं, हम हैबिटेट में अपने आप को कैसे जो है कंबाइंड करते हैं ताकि हम उस हैबिटेट में डिसॉल्व हो सके और उस हैबिटेट को अपने साथ अडेप्ट कर सके। द सिचुएशन हाउ टू अडेप्ट अवरसेल्फ विद द एनवायरमेंट। नेक्स्ट पार्ट, ह्यूमन एक हाई एल्टीट्यूड लाइक एज ए नोजिया, देयर आर टाइप्स ऑफ डिजीजेस ना, तो नोजिया टाइप की डिजीजेस हाई एल्टीट्यूड में लोग क्यों उल्टी करने लग जाते हैं। जैसे हम लोग कभी मनाली या ऊटी गए, अगर हम वहां के रहने वाले नहीं है तो मैक्सिमम क्या होता है, चक्कर आने लगता है और हम लोगों को ऑक्सीजन कैपेसिटी हमारी कम हो जाती है, डेंस कैपेसिटी होती है वहां पे, इसीलिए ऐसा होता। फोर्थ पार्ट, पॉपुलेशन एंड ग्रोथ। फोर्थ पार्ट हो गया पॉपुलेशन और ग्रोथ से पूछेगा, पॉपुलेशन की डेंसिटी पूछेगा, नेटेलिटी, बर्थ रेट, ग्रोथ रेट, मोर्टेलिटी, नेटेलिटी, उसके अलावा उसके सेक्स रेशियोज, इमिग्रेशन क्या होता है, एमिग्रेशन क्या होता है, इमिग्रेशन कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इससे रिलेटेड भी चीजें होती हैं। और जब बात आती है एज पिरामिड की तो एज पिरामिड में कई तरह के एक्सपैंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइन मॉडल्स, तीनों के बारे में पूछा जा सकता है। ये तो फोर्थ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट इस पर जरूर करिएगा, ठीक है, क्लियर है, तो इसको शेयर जरूर करिएगा। फिफ्थ, ग्रोथ एंड मॉडल्स। अब ग्रोथ एंड मॉडल्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बढ़ती हुई, उसका फॉर्मूला dn / dt b - d / n, अब बर्थ रेट, डेथ रेट, उसके बाद नेटेलिटी, ग्रोथ रेट, ये एस शेप्ड का कॉलम बनता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। ग्रोथ पहले बढ़ रही है, जैसे एग्जांपल ग्रोथ पहले बढ़ रही है और बढ़ी और फिर उसके बाद स्टेबल हो गई। अभी लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या है, ये जे शेप्ड की बनती है, ठीक है, dn / dt या rn। अब dn / dt rn k - n / k साइज जो है कॉन्स्टेंटिक है, तो जे शेप्ड का आपको ये कर्व पढ़ लेना। हालांकि ये फॉर्मूला लिखने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आप एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ पढ़ोगे तो उसमें ग्रोथ और मॉडल्स को पढ़ना ही पड़ेगा। सिक्स पार्ट, पॉपुलेशन इंटरेक्शन और पैरासाइट एंड इंटरेक्शन। पॉपुलेशन का इंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर ध्यान दीजिएगा। प्रेडेशन के बारे में पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिशन के बारे में पूछा जा सकता है, पैरासिटिज्म के बारे में पूछा सकता है। पैरासाइट दो तरीके, एक एंडो पैरासाइट, एक एक्टो पैरासाइट। एंडो का मतलब अंदर, एक्टो का मतलब बाहर। जैसे एंडो में प्लाज्मोडियम आपका आ जाता है, एक्टो में आपका जैसे लाइस पिलोनी होती है ना, वो जैसे कुत्तों में और गायों में लग जाती है, उस तरीके से। अभी पैरासाइट इंटरेक्शन कैसे, जैसे कि कॉमन सेलिस में, अब कॉमन सेलिस में क्या, जैसे एग्जाम्पल मैंने एक ऑर्चिड ऑन मैंगो का ले लिया, जिसमें से ऑर्चिड ऑन मैंगो में अगर कोई एक स्पीसीज है तो उसको ना काम होगा ना ही कोई बेनिफिट होगा, लेकिन जो दूसरी वाली है वो बेनिफिट देगी, ठीक है। म्यूचुअलिज्म में जैसे लाइकेन हो गए,
ये लोग कॉम्बिनेशन एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना देते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में बोथ आर बेनिफिटेड एंड बोथ आर यूज्ड, किसी को सेंटर की जरूरत है, किसी को न्यूट्रिशन। अब थर्ड पार्ट है एमेंसेलिस में, जैसे मैंने पेनिसिलियम करेगा किसी की ग्रोथ को रोकेगा। अब जो पेनिसिलियम है वो एमेंसेलिस है, उसमें एक को हार्म ही होना है, दूसरे को हार्म भी नहीं होना, बेनिफिट भी नहीं होना, लेकिन एक को हार्म ही होना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो आपसे इन टॉपिक्स में जरूर पूछता है। अगली बात अगर मैं करूं तो एक्सपेंडिंग स्टेबल और डिक्लाइन मॉडल में से कोई एक मॉडल आ सकता है। रही बात सबसे इंपॉर्टेंट की, तो सबसे इंपॉर्टेंट में आप सस्पेंड में टिक लगा सकते हो, सस्पेंड के अलावा टेम्परेचर में टिक लगा सकते हो, वाटर में टिक लगा सकते हो। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 मार्क्स का, मेजरेबिलिटी फैक्टर्स, और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे तो सेक्स रेशियो का और इमिग्रेशन एमिग्रेशन का जरूर आप पता कर लेंगे। ठीक है, इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो मैं आप जरूर आपके सेशन में डाल दूंगा, और आपको बहुत ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, इजिली तैयार करो, डेफिनेटली आपको कन्फर्म क्लियर होगा। Thank you, have a nice day, see you in the next video, goodbye.